ये है कि उस सरकारी कर्मचारी पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, सारे धारा उस पे लगा दो। लेकिन जो देश बेच रहा है, जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के आया था, उस पे देशद्रोह क्यों नहीं होना चाहिए? जो अपने मित्रों का बिना किसी नियम कानून के 10-10 लाख करोड़ भारत देश की गरीब जनताओं का पैसा वो जो जमा करते हैं और मित्रों का लोन माफ कर दिया जाता है, और आप अगर 20,000 रुपए लोन ले लीजिए तो बिहार में आपकी बकरी और गाय खोल के ले जाएंगे, उस पे देशद्रोह का केस क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफा बात क्यों? देशद्रोह का केस तो उस पे होना चाहिए जिसके हाथ में देश चलाने आपने दिया था, और देश चलाने के बजाय जब वो भ्रष्टाचार करेगा तो नीचे वाला क्या चुप बैठेंगे? मान लीजिए मैं एक पिता हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? अगर ऊपर वाला भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे वाला को कौन रोकेगा? वो तो आपसे 500-200 हजार रुपए घूस मांगते होंगे, यहां तो लाखों करोड़ रुपए देश का बर्बाद।